That's from? That's not part of the theme song. Our stupid reactions. Tune in for the Hey, welcome back to our stupid reactions, Edith. I'm Corbin. I'm Rick. And you can follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you for some pages. Subscribe, ring the bell, be part of that notification squad, baby. Wow. Bye. Anyways, today. What are you doing there, Corbin? It is Vicky Kershaw's birthday. Happy birthday, Vicky Kershaw. You talented, happy birthday, talented sir. Little man. Or big man. I don't know how buff you are right now. Sometimes you're little in film, sometimes you're massive, like an Uri. It's a mark of a good actor, how much they can build muscle. but anyways, it is his birthday today, so happy birthday to you, sir. Yes, sir. But this is a compilation of his interviews where he's talking about acting. Awesome. I'm hoping we'll get into depth about what he thinks about acting and his process, and because we're actors, as you know, we can hear people talk about acting and discuss acting all day long. Because everybody's wrong but me. All right, ready? 3, 2, 1, go. You have to master your fear. You don't have to get rid of your fear. Because fear hi tumse acha kaam karwata hai. Jis din fear nikal gaya na, tum complacent ho jaoge, tum sofa pe baith jaoge. Fear bahut achhi cheez hai. Jab tak fear hai, tum alive ho. Hum zinda tab tak hain jab tak maut ka dar hai. Ye to mere andar se aayi hui cheez hai na. Ye to main iska controller hona chahiye. Main malik hona chahiye apne fear ka. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था और फिर जब आप मेरे पास जॉब लेटर भी थी ये एक रूल था कि अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से सिर्फ यही करनी है फिर ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बर्न द बोट्स तो आपकी वीकनेस भी बन सकती है क्योंकि आप फिर वो जो एक्स्ट्रा 2-3% होता है ना देने के लिए 100% आजकल सब दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि 100% आजकल कोई बड़ी बात है कि 100% देना है 100% से ऊपर जो देगा जहाँ पे आपकी उतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है पर आप दे रहे हो तब जाके आप थोड़ा सा एक अलग हटते हो उस भीड़ से अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हो आप सुबह उठते हो और रोज वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा तो तब ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है फिर टॉप 3 में आना है फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है फिर आप सिलेक्ट होते हो फिर जाके आपको एक 30 seconds की एड मिलती है तो वो ड्रिल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है बहुत कठिन होता है बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो बहुत सारे डिब्बे होते हैं जो आपको टिक मार्क करने पड़ते हैं डिफिकल्ट होता है एंड पर वही काफ़ी कुछ सिखा देता है मतलब वो ऑडिशन का प्रोसेस भी एक इतना ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है किसी एक्टर के लिए कि आप कहीं पहुंच जाओ Absolutely. और स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो कहते हैं कि 10 मिनट में रेडी हो जाओ फिर 10 मिनट में आपको तैयार होके उन सब लोगों के सामने परफॉर्म करना है जहाँ पे कई लोग आपसे बेहतर हैं कई लोग आपसे बेहतर नहीं हैं तो सारे आप कितने पानी में हो कितने नहीं हो रोज़ रियलिटी चेक मिलती है एंड एज एन एक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रियलिटी चेक मिलती रहे कई बार हम क्या करते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है एज एन एक्टर कि हम बंद कमरे में बहुत सारी पिक्चरें देख के बहुत सारी किताबें पढ़ के हम कहते हैं बहुत टॉप एक्टर हो गए हम क्योंकि हमने ब्रांडो की 5 फिल्में देख ली हैं किताबें पढ़ ली स्टैनिस्लावस्की की अब आ गई एक्टिंग पर एक्टिंग इज अ प्रैक्टिसिंग आर्ट वो जब तक आप मैदान में उतर के अगर आपने फील नहीं किया चाहे आप जितने फॉर्मूले पर एक्टिंग के वो नहीं काम आएंगे अगर आपने वही एक्शन पे आपने फील नहीं किया तो ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि आपने यू लर्न बाय डूइंग यानी कि तय क्यों की थी वो क्या चीज थी जो आपको आपके दिल ने आपको कहा था कि यार दिमाग तो नहीं कह रहा पर दिल कह रहा है यार एक्टिंग करनी है वो चीज वो रीजन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वही रीजन आपको ड्राइव करता रहेगा रोज कि नहीं यार इसके लिए मैंने ये सोचा था कि एक्टिंग करनी है बचपन में भी ना हम पे कभी वो प्रेशर नहीं था कि तुम्हें फर्स्ट आना है हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो आप जो आपका काम है वो करो सिंसियरली करो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा उसमें कोई गम नहीं फिर तो शायद वो इंग्रेन्ड था अंदर कि आप करते रहो फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहो ना कल अच्छा ही होगा टेंशन मत लो तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है वो घर कर चुकी है बात और मैं सचमुच इस चीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ एक्टिंग करना
तो वो शायद उसी ने मुझे रोज एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे. हाँ, कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा. बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा ऊपर वाला. हाँ, ये आपको रहता है एज एन एक्टर कि मैं जितना रियल कर सकूँ, कैरिकेचरिश काम ना करूँ, वो शायद मेरा स्पेस नहीं है. एक सटल काम करना अच्छा लगता है मुझे, पर वही है कि मैं कभी भी उसको अपना कंफर्ट स्पेस नहीं बनाना चाहता एज एन एक्टर. मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहूंगा कि अच्छा ये अगर मेरा कंफर्ट स्पेस है तो इसके बाहर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. अगर किसी दिन मुझे कुछ लाउड करने का मौका मिले और वो मुझे करना हो तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा कि ऑल्दो ये शायद मेरा स्टाइल नहीं है पर शायद मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा. मुझे लगता है ना ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आपका आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ और मुझे इस चीज़ में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी. और मेरा फोकस जब तक उस चीज़ पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस जी रहा हूँ, उसकी खुशी में जीता रहूँ, उसमें मैं खुश होता रहूँ. बाकी ये उसके साथ क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है मैं समझता हूँ वो बहुत उसमें डेस्टिनी का खेल है. और उसमें मेरा बहुत कम योगदान है. एक्चुअली एक्टर्स बहुत लाइमलाइट ले जाते हैं इसमें. जो एक्टर को एक वो 10 सेकेंड का वो मोमेंट ऑफ फेम मिलता है ना, जब कैमरा रोलिंग एक्शन बोला जाता है और फिर उनको स्पॉटलाइट मिलती है कि वो डायलॉग बोले जो कभी यादगार हो जाएंगे, उसके पीछे 200 लोगों की मेहनत होती है. उस वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, वो कई लाइटमैन कोई बहुत दूर ऊपर खड़ा होकर वो लाइट हमारे चेहरे पे मार रहा है तब वो शक्ल दिख रही है. That's exactly वो सब right. आप जब देखते हो कि इतने लोगों की मेहनत है तो वो आपके सिर तक शायद नहीं जाती कि आप अकेले ही 30 मार खान नहीं हो जो फिल्म बना रहे हो या फिल्म को हिट करा रहे हो, वो सबकी मेहनत है. मेरे लिए सर उन्होंने ना एक बात मुझे कही थी, किशोर सर ने और सबको ही कही थी बैच में, कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो. और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं. तो ये सबसे बड़ी सीख मैं लेके गया था उस, और ये हर दिन जब भी मैं सेट पे होता हूँ ये बात मुझे हमेशा याद होती है. और ये आई कैन नेवर थैंक यू इनफ उस लाइन के लिए. और मैं जब भी उनसे बोलता हूँ या जब भी वो उनके बैच अभी प्रेजेंट बैच में मिलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइन अब आपको समझ नहीं आएगी पर जब आप आगे जाके सेट पे काम करोगे या जब आप नॉर्मल लाइफ जियोगे तब आपको ये लाइन बहुत याद रहेगी. तो मुझे ऐसे मैंने जब खुद को भी बोला था ना पहली बार, तो मैंने एक्टर फुल स्टॉप नहीं बोला था कि क्या करना है तुझे, मैंने एक्टर फुल स्टॉप नहीं, मैंने एक्टर क्वेश्चन मार्क बोला था कि एक्टर. मैंने खुद ही से डर के मैं खुद को भी नहीं बोल पाया था यार एक्टर बनना है. बट देन इवेंचुअली विद वर्किंग विद मेनी पीपल आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन यूनिकनेस एज यू आर. तो अगर आप जैसे हैं आप वही रहो तो भी आपकी एक जगह बन सकती है. फॉर इंस्टेंस जैसे जब मसान हम कर रहे थे तो मसान टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें नहीं पता था ये फिल्म रिलीज भी होगी. हम सिर्फ शूट कर रहे थे, जैसे मैं तो जैसे कहा तब तो वो दौर आई वॉज रियली वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. आई वॉज लकी कि मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई. वो फिल्म थी जहाँ मतलब आई वॉज लीन लैंकी टू शेड्स डार्कर वो काम कर रहा हूँ, जहाँ देर वॉज नथिंग गोइंग फॉर मी टू ब्रेक आउट की एक नाम होगा. एक फिल्म थी जो हम बना रहे हैं वो शायद रिलीज भी ना हो. बट देयर आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट यू नो एज एन एक्टर आपको एक अच्छी कहानी का हिस्सा होना ज़्यादा ज़रूरी है. आप फिल्म को स्टार नहीं बनाते, फिल्म आपको स्टार बनाती है. तो वहाँ से मतलब आई वॉज वेरी लकी कि वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे मेरा बहुत सारे चीज़ें मिथ्स क्लियर हो गए. एंड स्पेशली इन टुडेज़ टाइम वेयर द ऑडियंस इतनी ब्यूटिफुली इवॉल्व हो चुकी है दैट यू नो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू एज यू आर इफ यू आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर प्लेइंग. यू नो अगर आप एक सीन भी करते हो और अगर आपने वो पूरी सच्चाई से किए तो ऑडियंस घर जाके गूगल करती है यार कि वो बंदा कौन था. नीरज टोल्ड मी दिस वन ब्यूटिफुल थिंग. ही सेड कि यार तू ना टूरिस्ट की तरह बनारस देख मत, तो तू बनारस यू वॉन्ट बी एबल टू बी वन विद बनारस, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ. तो तू गुम जा शहर में, तू सुबह उठ और कहीं पहुंच और तू ये मत सोच तू कब आएगा. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइड डूइंग देन, कि मैं सुबह जाता था एंड फिर पता नहीं 2 घंटे में भी आ जाता था या कई बार रात को आता था बहुत देर बाद.
तो वो उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया. ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू दिस प्लेस. डोंट थिंक कि तुझे कुछ इस जगह से चाहिए, वो मत सोच. जो घाट था मणिकर्णी का घाट, वहाँ पे मैं जब पहली बार गया था, इट्स एन ओपन प्लेस. आई थिंक वहाँ आज तक 500-600 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लाश नहीं बर्न हो रही वहाँ. सो इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस. तो ओपन में भी ना यू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिकॉज आपको उन गलियों में ही ना यू स्मेल द फैट बर्निंग, आपको स्मेल आने लग जाती है. सो मैं जब पहली बार गया था, मैं 15 मिनट में बाहर आ गया था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू प्ले अ कैरेक्टर जिसने जिसके लंग्स में यही सांस, उसमें और कुछ उसमें दिखता नहीं, इसके बाहर गया ही नहीं है. सो देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ लाइक 2-3 वीक्स आई कुड स्टे देयर फॉर 7-8 आवर्स. आई कुड हैव माय कप ऑफ टी नेक्स्ट टू अ बर्निंग फायर. मैं बोल सकता था इसमें शक्कर कम है ज़्यादा है. बनारस वाज़ द ओनली प्लेस आफ्टर स्पेंडिंग 50 डेज, व्हेन आई वाज़ कमिंग बैक टू बॉम्बे आई फेल्ट लाइक मैं घर छोड़ के कहीं जा रहा हूँ. And I still crave to be back at Banaras because I still feel ki that's my home. How important do you think jo life ke hamara experience hai? How much does that help jab aap koi character ya koi film karte ho? Very much, sir. For an actor especially. Huge. Actor, that's everything. Koi bhi that's what you are. Achha aaye, bad aaye, ugly aaye, hai nahi. Ulta kai baar to aap selfishly sochte ho, kai baar aap कुछ होता है ना कि कई बार तो मुझे पता है ऐसे ब्रेकअप के टाइम मैं खुशी हो जाता कि अच्छा इसको ऐसे फील करते नहीं, मैं याद रखूंगा. तो वो यूज इट अलग से आपका ट्रैक चल रहा होता है कि जैसे मुझे ना कभी एबल टू यूज दैट. सबसे मुश्किल एक्टिंग परफॉर्मेंस क्या लगती है पता है मुझे? जो डर लगता है कि कोई मुझे ये ना बोलते शॉर्ट में कि तू सोया है, अभी तू उठा है. वो जो उठने वाली एक्टिंग होती है ना, वो सबसे टफ लगती है मुझे. नोट करूंगा कि मैं कैसे उठा था. और मैं कई बार रियलाइज करता हूँ मैं उठा तो बस सिर्फ आंखें खुली थी, ऐसे ही उठा था, कुछ ड्रामा हुआ नहीं था. तो फिर तो ये सब आपका एक साइड ट्रैक चल रहा था कि मतलब आप लाइफ में एक्टिंग कर रहे होते हो और एक्टिंग में आप लाइफ जी रहे होते हो, ये साथ में चल रहा होता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली साथ में होता है. कि मैं लाइक कुछ भी कर रहा होता हूँ तो मेरा एक क्यों बहुत बड़ा सवाल होता है एक सीन में कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ या ये मैं क्यों कर रहा हूँ. तो अगर मेरे पास वो क्यों का जवाब होता है तो वो परफॉर्मेंस में आ जाता है कहीं ना कहीं. तो अगर वो जैसे अगर मैंने किसी तरीके से किया और डायरेक्टर वॉन्ट्स समथिंग एल्स, तो शायद मेरे क्यों का जवाब जो मेरे पास है वो डायरेक्टर के जवाब से अलग है. चीज क्या करता हूँ कि मैं एक बार जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एक बार या मैक्सिमम 2 बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. उसके बाद में मैं आई ओनली रीड जो मेरा कैरेक्टर ने जो उस दुनिया में जितनी दुनिया देखी खुद मैं वही पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं पढ़ता. तो जैसे राजी में मैंने एक बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके अलावा जो आलिया का कैरेक्टर मेरे पीठ पीछे कर रहा है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. तो मुझे एक पॉइंट के बाद मुझे नहीं पता वो मार्केट में जा रही है, मुझे नहीं पता वो ये सब कर रही है, मैं सिर्फ वो पढ़ता था जो मोमेंट्स हमारे बीच. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू सेड अबाउट नॉट रीरीडिंग दोस थिंग्स अगेन. इट रियली मेक्स अ डिफरेंस एक्चुअली. दैट्स अ अप टू द एक्टर टू डू, बिकॉज़ आई थिंक बिग बी इज द ऑपोजिट. बिग बी नोज एवरीथिंग. बिल्कुल ही नहीं देखी है तो मैं नहीं पढ़ता. और दूसरी चीज है, इफ टुमारो आई हैव टू डू अ सीन तो मैं उससे एक रात पहले एज अ रूल आई रीड द स्क्रिप्ट टिल दैट सीन. लाइक आई रीड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर टिल दैट सीन, उसके आगे नहीं स्क्रिप्ट पढ़ता. I'm not going to get likes, I'm not going to get followers, nothing is going to happen. The equation is that simple. You fail there, you'll fail here. You rise there, you'll rise here. That's it. You know, I read in an interview, Anurag Kashyap said about you that in the beginning, when you first started and you were giving these auditions, a lot of people said, great, the acting's all in place, but you're not hero material. Yeah. To be very honest, when I started off, I had this pressure. And it came from my own complexes that I'm lanky, curly hair, crooked teeth, not a fair complexion guy, not the chocolate boy hero. So ye complexities the mere, and that's why I always never had the confidence of saying, like shaking hands with somebody. And this is when I just started off,
shaking hands with somebody that I'm Vicky Kaushal, I want to be an actor. And you so couldn't say that I to anyone. I couldn't say that. Although I was doing my acting course, I was doing everything I could to become an actor, but it didn't come as confidently as I would have wanted to. But why you thought they would say ki nahi tu kya actor banega like that? Not that. Apne mere internal insecurities the. Ki yaar nahi main karke prove kar dunga. But bolunga nahi. I don't want those judgmental eyes towards me. Because ye mere sath ho chuka hai like I've and so it's a cheap thrill of my life. So I've gone for an audition when I was like doing the rounds and knocked the door, said am I fit for the audition, and he looks at me from top to bottom, and that room was this big and it had some like 50-100 boys in it, all Gladrax model, like main aisa kehta ki sare handsome ladke aaj yahi hain. And then he looked at me from top to bottom and he's like D.O. ki ad. So that was an indication that you're not fit. Par mana to nahi kiya tha. So main bhi besharam. Maine kaha D.O. ki ad. And then I was like, sir, am I fit for the audition? And then he's like, chal theek hai, aaja. Tujhe pata lag jayega what I meant by that. And I went in. And then obviously it was that typical remove your t-shirt, girls falling on you type of an audition. So it was actually that bathroom ki ceiling phategi tumhare upar se aur ladkiyan girengi. Commercial auditions are awful. D.O. Matlab ladkiyan bathroom ke ceiling mein busy hui hain, pata nahi kya hai, bas girengi. So I was like okay, and I gave that audition. Lanky fellow, bare bodied, and like ha kiya. And but that stayed in my head, that scan of his eyes from top to bottom stayed in my head. And this year there's this Dio brand that came my way, that they wanted me on it, and I was like, paise chodo, I was like sab kuch chodo, main ye kar raha hu. Because I wanted that loop to close. Have its closure in my own life, that there was a time when I was scanned from top to bottom for a Dio ad. Now this is the time when a Dio ad came to me and I'm doing a Dio ad and same old stuff. Oh, that's funny. Commercial auditions, if you're not an actor, are just the absolute worst. They are the worst. Like, it's gut-wrenching sometimes what you have to do in a commercial audition, which they could cast off of a photo, because most of the time you're not saying a word. Correct. And them. And so they're like, come in and pretend to drive a car, right, Rick? Yep. So dumb. Just awful. Come in and we're going to pair you with these people who are going to be your family. And now just stand here in this room that has a gray background. And you guys are at the beach. Stay in frame, please. You can't move around. And you're going to play with the beach ball. Throw her the beach ball, Rick. Oh, yeah. Yeah. And but they actually don't want real acting. They want it to look like you're having a good time. On anyways, but yeah, there was a lot of interesting stuff he said in there, and I love Vicky Kershaw, and hearing him say a lot of stuff about acting, I like him even more. But I actually relate to that thing he said about not telling people you're an actor. One, it's nothing that, like, because I don't care what anybody thinks at all. I don't know if it has to do with something like that, or if it has to do with just I'm a very, very private person. And so, like, if I still won't, but I've never gone up to somebody outside of, like, on the channel when people ask, like, what do you, I'm an actor, of course, that's what I do. But if, like, somebody asks, like, what do you do? I don't usually say I'm an actor. It's just, interesting. Because it's what he said about their judge, like, I don't want in their head, and then I don't want the follow up questions because it bores me. Oh, anything you've been in that I know of? And so it's just, the whole conversation is something I don't want, like, at all. I don't care if one day I'm in an Anurag Kashyap film, if I'm in a Christopher Nolan film. It's going to take a long time before I'm just be like, yeah, I'm an actor. It's not something I like to do. I've never said that either. Like, a person-to-person conversation. Huh. Yeah. Yeah, it doesn't bother me one bit. Well, you're also a lot more open than I am. And also more willing to talk to people. Yeah, yeah. It's not a surprise. It's not a surprise that that's our response to that. Yeah.
I don't want to have the conversation, like, at all. Yeah. Like, that is, like, I'm one of those people that also hates small talk, and so it's, like, yeah, I despise it, like, oh, what do you do, man? Oh, cool, I don't care, shut up. Anyways, but it was also interesting what he said, though, about when he said, I only read what's going on in my character's world, because that's an interesting discussion to have, because there's people that know everything, so don't know, like, Big B, I'm guessing, is like this, right? He knows everybody's lines. He knows where you are, what just happened, what's going to happen, everything like that, and that works. And that's why acting is, I think, such a beautiful thing, because there's not one specific way to do something. There's Daniel Day-Lewis's way to do stuff. There's Shia LaBeouf's way to do stuff. There's Amitabh Bachchan's way to do stuff. And none of it is technically wrong if it works. That's right. The key. If you can do anything you want, as long as it conveys on screen that you're not trying to do something. Mm-hmm. What happened? Did you freeze? I was waiting for you to say something. Oh, no. As far as the reading the script aspect is concerned, I think it depends on the script. It depends on the project. I mean, the one thing I too agree with him, like, for me, I want to know what's going on in my character's world, not necessarily everybody else's world. But anybody in my world at that time, like, I want to know in the scene everybody's lines. Yeah. I often go back and forth on that. And I think I lean towards more of knowing, because it also gives you the opportunity to improv if you know where other people are going as well. So there's correct. That. But then also you get the organicness if you don't know what anybody's saying, but also the organicness almost goes out after the first or second take. Because you know. Yeah, like if I'm doing a scene with somebody and they've got a monologue. Yeah. I'm not going to memorize their monologue. Yeah. I'm going to memorize my pickup line that comes up at the end of their monologue. And it's actually quite helpful, because what I can do is actually really genuinely listen to them while they're talking. Yeah. Yeah. So, yeah, it's beautiful that there's a whole bunch of different ways, and I like it. So, I mean, he also, it was, because he said some stuff, if you're not an actor, like, he talked about Stanislavski, and that's, if you're an actor, you know who Stanislavski is. That's just, he's right. He's like the creme de la creme of acting teachers, like, method. And you don't have to know who he is to be a working actor, because I remember when Winona Ryder was nominated for her first Oscar, she was being interviewed and someone asked her about Stanislavski and she didn't have the foggiest idea who he was. And I was appalled. Yeah, I'm an actor. I know who Stanislavski is. But he what also, are you doing up there? But he also said something very important about the why, which I know you responded to, which is always extremely important. And some little thing that you can pick up on in films, like, there always needs to be a reason why. If somebody's getting up, why? Why are they getting up? Are they just getting up because they felt like the scene needed movement? That's when you can see people. That's one of the things when we talk about, like, you can see people acting. If they're getting up and it was for absolutely no reason at all. Yep. I've talked about that before. I've had that problem where I was working with a director who had a particular vision he wanted to put on the stage, and he had me cross down right at a particular point in this scene, and I couldn't justify the movement. It made no sense to me based on what I was saying. It was distancing me from the character at a point where it made complete incongruities to me. Although, and I said to him as I crossed down right at one point, I said, why am I going over here? And he didn't understand where I was coming from, because he didn't speak acting terminology. And I said, well, I'm not understanding. We're having this conversation. It seems like, if anything, I'm supposed to go this way. And he said, because I want you to cross down right. Just because you want me to cross down right? Yes, I'm the director. You're the actor. Oh, okay. Great motivation. Thanks. We didn't get along very well. Anyways, well, that was great. Love hearing people talk about acting. So happy birthday to Vicky Kershaw. If you ever want to come on the channel and talk about acting more, you're more than welcome. Man, we would love to talk with you. We would love it. And also let us know what the next Vicky Kershaw film we should watch is down below. Our stupid reactions. Tune in for